उत्तर प्रदेश के शामली किराना मतदान क्षेत्र में लगभग 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था, पर मतदाताओं की लंबी लंबी भीड़ भी देखी जा रही थी। लेकिन मामला तब किरकिरा हो गया जब जगह जगह ईवीएम मशीनें खराब होने लगी। आइए आपको बता दें कि कहां पर क्या हुआ। कई जगह मतदान केंद्रों पर ईवीएम खराब होने से लगी रही लंबी लंबी लाइनें। पुलिस प्रशासन ने इसके लिए वैसे तो कड़े इंतजाम किए थे। चौधरी मान सिंह राजकीय इंटर कॉलेज कंडेला स्थित बूथ संख्या 296 पर पीपी पेट में खराबी के चलते 1 घंटे तक रुका रहा मतदान। मतदान में हो रही देरी से मतदाताओं में रोष देखने को मिला। वहीं केराना गठबंधन प्रत्याशी तबस्सुम हसन ने कई बूथों पर ईवीएम खराब होने पर प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि जहां दलित और मुस्लिम वोट है वहीं ईवीएम कई घंटों तक बंद हो रही हैं। इसके चलते मुस्लिम रोजदारों को काफी प्रभाव पड़ रहा है और वो रोजे से होने के कारण परेशान होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे अवस्था में ज्यादा समय तक लाइन में खड़ा होना मुश्किल हो रहा है और कुछ वोटर बिना मतदान किए ही वापस जा रहे हैं। ये सब सोची समझी राजनीति का हिस्सा है। इसके अलावा केराना गठबंधन प्रत्याशी तबस्सुम हसन ने कई बूथों पर ईवीएम खराब होने पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि वो दलित और मुस्लिम बहुल वोटों को अक्सर ईवीएम बंद करके उनका यानी कि बीजेपी का वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा भी मतदान के दौरान कई और ऐसी घटनाएं घटी। बसोड़ा में भी वोटिंग मशीन हुई खराब। गठबंधन प्रत्याशी ने केराना क्षेत्र में कई बूथों पर लगाया ईवीएम खराब होने का आरोप। इसको बड़ी गलती बताई। बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इन लोगों को अंदेशा हुआ कि दलित और मुस्लिम वोट डालने निकला है। इनको तो ये भ्रम था कि मुस्लिम नहीं निकलेगा, तो मशीनें खराब इंटेंसली अपनी खुद ही कर दी मशीनें। अब यहाँ की पुलिस को खुद ही करी। अच्छा, जिस तरीके से मशीनें खराब हो रही है तो टेक्निकली चीज़ें प्रॉब्लम आती है, तो इसमें किसको दोषी मानते हैं? मानने की सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। अच्छा, आरोप लगा ये कुछ भी कर ले इंशाल्लाह जीत फिर भी हमारी, ये कहीं भी कुछ भी करें ये जनता। केराना शामली उत्तर प्रदेश से वाजिद अली की रिपोर्ट।